हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जजय मिस्त्री। मैं हूँ आपका दोस्त और लेकर आया हूँ नया वीडियो ई वॉलेट के बारे में। आप देख रहे हैं ऑल यू हेल्पफुल आइडिया चैनल्स। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि हम बहुत सारे ई वॉलेट आ गए हैं अभी 2020 में, तो हमें कौन सा ई वॉलेट सबसे ज़्यादा कैशबैक दे रहा है। इसमें हम अमेज़ॉन पे की बात कर रहे हैं, UPI पेटीएम की बात कर रहे हैं, फिर फ्रीचार्ज की बात कर रहे हैं, फिर गूगल पे की बात कर रहे हैं और मोबीक्विक की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कैशबैक देने वाला ई वॉलेट कौन सा है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों वीडियो एंड टू एंड तक देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे देखेंगे क्योंकि वो टॉप पे है। आपको क्या करना है कि अमेज़ॉन पे ओपन करना है या अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप, उसमें रिवॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे रिवॉर्ड पर क्लिक करते हो, आप नीचे यहाँ देख सकते हो कि ये 100 एंड 100 यानी 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ UPI से आप पेमेंट करते हो डेली तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। उसके लिए ऑफर के लिए कलेक्ट करना पड़ता है आपको, फिर ऑर्डर नाउ करना पड़ता है। ये मैंने दोनों ऑर्डर नाउ कर दिया है, आप नीचे जाके स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों मेरी राय तो यही है कि आप अमेज़ॉन पे ऐप या ई वॉलेट जो भी आप बोलते हो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं रोज़ कम से कम 25 से 30 रुपया तो ऐसे ही UPI ट्रांजेक्शन से ही ले लेता हूँ। मैंने आगे वीडियो बनाए हैं कि आप रिचार्ज करके भी कैशबैक अर्न कर सकते हो। यहाँ नीचे आपको सभी ऑफर दिखाई देगी, इस ऑफर को कलेक्ट करना है। तो सबसे बेस्ट में बेस्ट मैं मानता हूँ तो अभी अमेज़ॉन पे जो ऐप है वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, अभी एक पेमेंट करूँगा आपके सामने, जैसे कि मुझे मेरे दोस्त को पेमेंट करना है। ऑफर कलेक्ट किया है मैंने, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ अमाउंट लिख देना है। जैसे ही मैं 1000 रुपीज़ अमाउंट शेयर कर रहा हूँ, दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1000 पे किए हैं तो आपको 1000 पे करना है, आपको 50 रुपीज़ से मोर पे करने हैं तो आपको ऑफर हो देगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट करना है, UPI ID डालना है। जैसे UPI ID डाल देते हैं उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करना तो आपको जो भी कैशबैक अर्न होता है वो आपको दिखाई देगा। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करने वाला हूँ, देखो मुझे 4 रुपये मिले हैं। तो आप 50 रुपये से ज़्यादा का आप UPI ट्रांजेक्शन किसी के भी अकाउंट में कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दूसरा डेमो दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या करना है कि हमें दूसरा QR कोड स्कैन करना है। जैसे हम QR कोड स्कैन करेंगे, ये देख लो, ये QR कोड स्कैन करना है हमें। जैसे ही स्कैन करेंगे ऐसे ही पेमेंट करना है, तो इससे भी हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टॉप पे अभी ये अमेज़ॉन पे ही। अब देखेंगे फ़ोन पे के बारे में। दोस्तों फ़ोन पे भी अच्छा है लेकिन उसमें रिवॉर्ड्स कम आते हैं। उसमें क्या है कि कूपन खुल जाती है, रमी रमो एन ओला, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये कूपन है। मेरे अभी किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पहले क्या होता था कि कुछ पेमेंट करते थे तो फिर स्क्रैच कार्ड ओपन होते थे तो उसमें मनी आते थे, तो अभी मैं फ़ोन पे यूज़ करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, ऐसे करना है, कुछ दूसरा बिल पेमेंट करना है तो फिर मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन कैशबैक के बारे में ये अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ फ़ोनपे को, लेकिन इसमें अभी कैशबैक बहुत कम है, रिवॉर्ड्स कम है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कूपन ओपन होती है, कैशबैक आते नहीं हैं। इसीलिए मैं अमेज़ॉन पे ज़्यादा रिफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं उससे। अब ये मेरा पुराना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है बहुत 2019 का। अब हम देखेंगे कि गूगल प्ले के बारे में। गूगल पे जो है वो अभी अच्छा कैशबैक दे रही है, वो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से ये सेकंड नंबर की ऐप है कैशबैक में। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी 3-4 पेमेंट करते हैं तभी कोई रिवॉर्ड कूपन खुलती है या तो कूपन में रिवॉर्ड ओपन होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने 1000 ट्रांजेक्शन किया था, अभी मैं आपके सामने स्क्रैच कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने बहुत पहले अर्न किए थे, ये अभी मैं आपके सामने स्क्रैच करूँगा, ये बेटर लग खुला है। तो ये भी हमें उल्लू बनाती है। पहले क्या था कि गूगल पे जो ऐप थी उसमें बहुत सारा कैशबैक होता था। अभी ये सब ऑफ़र है, आप देख सकते हो, हमें ऑफ़र पे जाना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑफ़र है। जैसे कि हम 2020 में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं दो, तो उसमें कूपन खुलेगा। फिर ये गूगल शॉप है, 500 से ज़्यादा रुपये आप निकालोगे तो 1 लाख अर्न कर सकते हो। फिर LPG, फिर ये 101 से ज़्यादा हम पेमेंट करते हैं तो मिल सकता है। तो गूगल पे में ऐसा है। अब हम देखेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है हमें। जैसे हम पेटीएम ऐप ओपन करते हैं तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा तो आपको ऑफ़र दिखाएंगे। जैसे
ये मैंने रिचार्ज पे क्लिक किया है, तो आप मॉल पेटीएम मॉल से 500 रुपये, फ्लाइट पे 1000 रुपये, ऐसे आप ऑन कर सकते हो कैशबैक। फिर पेटीएम मॉल वाउचर 100 रुपीज़, पेटीएम फर्स्ट 125 रुपीज़। तो ये सब ऑफर है, हमें कलेक्ट करना है जब हम बिल पे करते हैं तब। अब देखेंगे, अब मोबीक्विक ऐप को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ कोने में ऊपर वॉलेट बैलेंस पे चेक कीजिए, तो वहाँ हमें हमारा सुपर कैश दिखाई देगा। मैं सुपर कैश बहुत यूज़ करता हूँ ये मोबीक्विक से। सुपर कैश को कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको अमेज़ॉन पे जाना है, और उसके लिए आपको कोई भी बिल पेमेंट करना है तो आप गिफ्ट वाउचर ले के सुपर कैश को यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप कोई रिचार्ज कर रहे हो समझो कि 200 रुपये का, तो उसमें आपको 10 रुपीज़ यूज़ होगा, यानी 5% अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो सुपर कैश। यानी जो मोबीक्विक है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव डेमो। जैसे कि मैं अभी 199 रुपीज़ का रिचार्ज अभी यहाँ शो हो रहा है, हमें क्या है कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ अप्लाई यूज़ सुपर कैश पे क्लिक करना है, तो हम देख सकते हैं कि 9 रुपये और 94। यानी कि आप 100 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो 5 रुपीज़ सुपर कैश यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी ऐप है, आप सुपर कैश ऑन करके इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सबसे बढ़िया अभी ऐप है 2020 का, तो वो है अमेज़ॉन पे। और अब देखेंगे फ्रीचार्ज के बारे में, फ्रीचार्ज में क्या क्या ऑफ़र है। पहले हमें फ्रीचार्ज ऐप को ओपन कर लेना है, यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है कि आप D2H का रिचार्ज करते हो 20 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी पर 30 रुपीज़, लैंडलाइन पे, और यहाँ ऑफ़र में जाके आपको क्लिक करना है। तो आपको दोस्तों दूसरे जो मेट लाइफ है, 1MG है, ऐसे यूज़ करते हो ऐप दवाई मंगवाना ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी बेटर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक का टर्म एंड कंडीशन हमें पढ़ लेना चाहिए। इसमें ये जो आप देख रहे हो सुपर ऑफ़र, तो सुपर ऑफ़र में यहाँ हमें दिखाया गया है कि इसको एक्टिव नाउ करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो 60 रुपीज़ कैशबैक ऑन करना है। मैंने आपको बोला कि आगे टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना है। हमें इसमें मिनिमम 500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उस पर हमें 20 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे 3 बिल पे करेंगे तो 60 रुपीज़ ऑन कर सकते हैं। फिर D2H रिचार्ज है, ये सब आपको ऑफ़र चेक करना है, उसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक रिचार्ज करते हो 60 रुपीज़ मिलते हैं, आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम ऐसे वीडियो बना के आपके ला सके। थैंक यू।